दोस्तों कैसे हैं आप लोग। पांडे जी टेक्निकल के ऑफिशियल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका ये जो वायरल न्यूज़ चल रही है कि 22 तारीख को आपका जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्या कुछ अपडेट है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश जो आपका की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको इस तरीके के किसी भी अपडेट को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई अपडेट दोस्तों जो है आपका नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन जो आपकी वायरल न्यूज़ है वो कहाँ से वायरल हुई है और उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल आप एक बात जान जाइए कि जो आपने अभी तक चॉइस फील की है, ठीक है, अभी तक आपने जो है अपनी चॉइस फील की है, क्योंकि चॉइस फीलिंग और चॉइस फील में जो एडिटिंग है आपका, चॉइस फील में जो आप एडिट कर रहे हैं और जिस चॉइस को आप फील कर रहे हैं, ठीक है, इस चॉइस फील का रिजल्ट कब आएगा और चॉइस फील का लॉक कब होगा ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो चॉइस फील का जो आपका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, ये आपका आने वाला है आपके 22 अगस्त को। ठीक है, यानी 22 अगस्त को ऐसा आपका जो है वायरल न्यूज़ में कहा जा रहा है कि 22 तारीख को आपका जो है 22 अगस्त को आपका ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये कहां से सर्कुलेट हुई है इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इसके बारे में किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट jcop.nic.in पे इस प्रकार की कोई अपडेट है। तो इस प्रकार की कोई अपडेट आपकी वेबसाइट पे भी नहीं है, बट हाँ ऐसा मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि वो जो है आपका जो लिस्ट आप देख रहे हो ये आपका वायरल न्यू वायरल तो है, बट मैं आपको बता दूं कि आपका एटलीस्ट आपका रियल है और आपका जो है 22 अगस्त तक आपको जो है चॉइस फीलिंग आपको देखने को दोस्तों चॉइस फील का जो रिजल्ट है आपको वो देखने को मिल जाएगा। और चॉइस फील आप लोग ये भी देख रहे हो कि 22 तारीख तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसी 22 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो लास्ट डेट आपकी रखी गई है ये 20 अगस्त रखी गई। किस चीज़ की 20 अगस्त लास्ट डेट है भाई? तो 20 अगस्त जो लास्ट डेट है दोस्तों आप लोग की, ये फॉर्म में आपका जो है ये संशोधन करने की है। ठीक है, मतलब कि आप एडिट जो कर रहे हो इसकी जो आपकी मतलब डेट है आपकी, ये आपकी जो है आपकी 20 तारीख तक आपकी रखी गई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है। और इसके अलावा 23 तारीख से लेकर के, ठीक है ना, 23 तारीख से लेकर के आप लोगों का ये फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन जो है आपका 23 तारीख से लेकर के, यानी 23 अगस्त से लेकर के आपका जो है ये आपका 26 अगस्त तक, 23 अगस्त से 26 अगस्त तक इवनिंग में मैं बात करूं तो 23 अगस्त से 26 अगस्त तक इवनिंग में 5 बजे तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। मतलब फ्रीज का और फ्लॉट का जो ऑप्शन है वो आप चूज़ कर पाएंगे और आगे की एडमिशन की प्रक्रिया को आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड राउंड जो है 23 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक आपका जो है ये आपका सेकेंड राउंड की चॉइस फीलिंग आपकी होगी। ठीक है, यूपी के कैंडिडेट की आपकी 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक आपकी जो है ये होने वाली है आपकी चॉइस फीलिंग। ठीक है, 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चॉइस फीलिंग होगी और 27 तारीख को जो है आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी 27 को रिजल्ट आ रहा है, ये 27 आपकी कौन सी है? अगस्त वाली तारीख है। ठीक है, 27 अगस्त को ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है, ठीक है ना, सेकंड राउंड का आपका जो रिजल्ट है ये आपका 27 अगस्त को आपको आ जाएगा और 23 से लेकर के 26 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी। जो पहली बार में चॉइस फिल कर चुके हैं उनको जो है अब दोबारा चॉइस फिल नहीं करना है, बट आपको जो है ये देखना है कि चॉइस फिलिंग 23 से 26 तक की सेकेंड राउंड के लिए आपके उस न्यूज़ में आपको बताया गया है। फर्स्ट राउंड का आपका 23 से लेकर के 26 तक, मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो है आपका 22 तारीख को आ जाएगा, जिसका आपने ऑलरेडी पहले से देख रखा है। ठीक है, 28 से लेकर के 30 तारीख तक आपको जो है इसमें ये बता देना है, यानी 28 अगस्त से लेकर के और आप 30 अगस्त तक यह जानकारी ले पाएंगे कि आपको जो है फ्रीज करना है या फ्लॉट करना है। मतलब जो कॉलेज आपको दिया गया है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के काउंसलिंग में, वो कॉलेज अगर आपको पसंद है तो आप फ्रीज करेंगे, अगर वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप फ्लॉट करेंगे। ठीक है,
तो 28 से लेकर के और 30 तक आपके पास जो है फ्रीज एंड फ्लोट के ऑप्शन को चूज करने का मौका रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा इसी बीच में आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे बने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे बने आप अपने मतलब वो जो सहायता केंद्र है वहाँ पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और सभी जिलों के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों पे आपके सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और 28 अगस्त से लेकर के और 30 अगस्त तक आप लोगों की जो है थर्ड राउंड की होगी काउंसलिंग, ठीक है। थर्ड राउंड की आपकी जो है ये आपकी होगी दोस्तों चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग आपकी 28 से लेकर के 30 अगस्त तक आपकी होगी और उसके बाद 31 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक आपकी इसमें प्रक्रिया चलेगी। फर्दर आपका जो प्रोसेस है उसके लिए अभी आपका कोई अपडेट दोस्तों नहीं आया है। फर्दर अपडेट कहने का मतलब क्या है भाई, फर्दर अपडेट कहने का मतलब है कि क्या इतने में ही आप लोगों का हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा? मेरा कहना है बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इसमें जो है थर्ड राउंड के बाद भी फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, लगभग आप लोगों को मैं बता देता हूँ तो आप लोगों का 10 राउंड तक आपका ये काउंसलिंग जाएगा, 10 राउंड तक आपका ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जाएगी, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक में टोटल आपके 150 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और 150 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भरने के लिए कम से कम जो है उतना टाइम तो आपका लगेगा ही, ठीक है। तो ये है आपका अपडेट, लेकिन इसकी जानकारी जो है आप देख सकते हो कहीं भी जीकब का ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जीकब का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। और आप जो है आगे कोई अपडेट आता है तो वो जीकब का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आएगा, चाहे आपका पॉलिटेक्निक का रिजल्ट ही क्यों ना हो, अगर आपका रिजल्ट भी अगर दोस्तों आता है, ठीक है, तो भी आपको जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा।